भीषण सर्दी के बाद भी बिजली विभाग के काम करने के तरीके खामियां जा किसानों को भोगना पड़ रहा है। हाड़ कांपने वाली जिस ठंड में अफसर और आमजन घरों में रजाई में दुबके रहते हैं, उसी ठंड में हमारे अन्नदाता किसानों को खेतों में अपने हाड़ गलाने को मजबूर होना पड़ता है। यह कहना है राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ का। महासंघ के रविवार को खंडवा रोड स्थित कार्यालय पर धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा कि धरनारत पदाधिकारियों ने कहा कि जब सभी लोग दिन में काम कर रहे हैं तो सिंचाई के लिए रात को क्यों जागे। रात में सर्द हवाओं के साथ जंगली जानवरों के हमले का डर बना रहता है। इसके अलावा रात के समय खेतों में काम करने पर चोर, कीड़े मकोड़े आदि का डर भी लगा रहता है। मौजूदा समय में ग्रामीण क्षेत्र में खेतों की सिंचाई का दौर चल रहा है, इसलिए किसानों को भी 3 फेज से बिजली सप्लाई की आवश्यकता होती है, मगर बिजली विभाग किसानों के महज 6 घंटे सप्लाई दे रहा है। उस पर सितम यह है कि कोई सप्लाई की अधिकांशता रात में ही दी जाती है। इस वजह से किसान को मजबूरी में रात में किसान ठंड में खेतों में काम करना पड़ रहा है। किसानों ने दिन में बिजली सहित रबी फसल के पंजीयन, फसल के इलेक्ट्रॉनिक टोल काटे का तुलवाई जैसे मांग को लेकर धरना दिया है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। तो हमारी सर इसमें यह है कि जैसे किसानों को जो बिजली रात्रि में दी जा रही है, अभी कड़ाके की हाड़ कपाने वाली ठंड है, ऐसी ठंड में कोई अधिकारी, कर्मचारी या राजनेता रात में 10 मिनट के लिए बाहर नहीं निकल सकता, और मेरे किसान नंगे पैर खेत में रात को 12 बजे 2 बजे जंगली जानवरों का भय बना रहता है, उस भी सिंचाई करने के लिए खेत में जाते हैं। तो ये हमारी मुख्य मांग है कि हमें सबको, अगर दिन में कार्य करने का अधिकार है सरकारी कर्मचारी, अधिकारी और राजनेताओं को, तो मेरे किसानों को भी दिन में बिजली दी जाए सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक, ताकि वो अपने खेतों की सिंचाई कर सके और अपने स्वयं की जान माल की रक्षा भी कर सके। अगर समस्या हल नहीं होती है तो क्या करोगे? समस्या हल नहीं होती तो इसको हम प्रदेश स्तर तक चलाएंगे, इस समस्या को संभाग स्तर पे भी धरना आंदोलन हमारा चलेगा, और आगामी हमारी रणनीति राजधानी भोपाल में हम पूरे किसान, पूरे मध्य प्रदेश के इसी को लेकर धरना आंदोलन पर बैठेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश पाटीदार, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला खरगोन। बिजली कंपनी द्वारा रात में 6 घंटे बिजली किसानों को दी जाती है, इतनी ठंड में रात को 12 बजे कभी देते हैं, कभी 2 बजे देते हैं, कभी 6 बजे देते हैं। इस बात को लेकर यहाँ पर धरना दिया है। दूसरी हमारी जो मांग है, किसानों के घरों में घुसकर बिजली कंपनी के अधिकारी कर्मचारी और छतों पर चढ़कर वीडियो बनाते हैं, और 1,00,000 से 50,000 60,000 ऐसे पंचनामे बनाकर नोटिस छोड़ते हैं, उनको धमकाया जाता है और चोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस सब शब्द से हमारे किसान मजदूर समाज को नफरत है, इसलिए इस कंपनी का हम विरोध खरगोन के पश्चिमी बिजली वितरण कंपनी के एसी कार्यालय में धरना देकर बैठे हैं। ऐसे प्रकरण सारे वापस ले और दिन में हमको 10 घंटे बिजली दी जाए, सुबह 8 से शाम 6 तक। कब तक हड़ताल जारी रहेगी? ये 26 जनवरी तक जारी रहेगी। अभी कहीं आश्वासन मिला आपको? एसी महोदय मिले थे, वो बोले शासन स्तर का मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामेश्वर गुजर, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ में संभाग मंत्री। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।